हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जी एस फोरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जी एस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, मैं दो दिन से ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग परेशान इस बात को लेके हैं कि उनका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जिस रॉ स्कोर कार्ड आया है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, बहुत लोग कह रहे हैं कि मेरा 10-10 नंबर कम हुआ, बहुत लोग कह रहे हैं कि मेरा 6-7 नंबर इंक्रीज कर गया। तो वो तो जो BTSC का एक अपना एक कैलकुलेशन का मेथड है उसको फॉलो किया, उस बात पे हम लोग बात नहीं करेंगे। बात यहाँ पे ये है कि लोग कंफ्यूजन इसलिए कंफ्यूज है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो इसी तीन मुद्दों, इस तीन जो टॉपिक्स है, इस तीन टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, जिसमें पहला आपका है वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो वेटेज है किसको दिया जाएगा, क्या जितने भी CITs हैं उन सबको या जो नॉन CITs है वैसे ट्रीट किया जाएगा। इस पर पूरी डिटेल में आपका जो दिसंबर 2019 का जो RPL का नोटिफिकेशन है और जो CITs का जो क्राइटेरिया है और जो DGT मान्य फॉलो करता है उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा कि बहुत सारे लोग लगभग कल तक और आज सुबह तक लगभग 200-250 लोग कमेंट और व्हाट्सअप कर चुके हैं कि स्कोर कार्ड कब। तो स्कोर कार्ड के लिए मैं आपको बता दिया था, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, स्कोर कार्ड आपका मे बी इस वीक के अंतिम में या नेक्स्ट वीक के फर्स्ट सोमवार या मंगलवार, लेकिन ज़्यादा चांस है कि इस वीक के अंत में यानी सैटरडे तक आपका स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ये लगभग मतलब कि आप कंफर्म मानिए, ठीक है, और बहुत देरी हुआ तो नेक्स्ट वीक के मंडे या ट्यूसडे में। अब बात कर लेते हैं कि वर्कशॉप कैलकुलेशन में इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो CITs को लेकर क्या UFO की स्थिति है, और इसके बिहाफ पे जो ग्रुप 15 में कट ऑफ के लिए जो बार बार लोग परेशान हो रहे हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे, और कट ऑफ कितना जाएगा, और जो एक एक कैंडिडेट जो 4-5 फॉर्म फिल किए हैं मेनली जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ग्रुप में, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज इन्फॉर्म दैट 8th मीटिंग ऑफ रिकमेंडेशन कमिटी टू एप्लीकेशन अंडर ये वाला जो प्रोसेस है, जिसमें ये कमिटी अप्रूव्ड द इंट्रोडक्शन RPL वेरिएंट कोर्स इन सब्जेक्ट वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर ऑल CITs ट्रेड्स एज एन अल्टरनेटिव फॉर 1 ईयर रोडा CITs कोर्स अकॉर्डिंगली। यानी कि जो लोग रोडा में किए हैं CITs वो मान्य होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ लगभग क्लियर हो चुका है, और एज ए रिलेवेंट BTSC भी इसी को मांग कर रहा है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे, द ट्रेड इंस्ट्रक्टर हु विल कम्प्लीटिंग CITs 1 ईयर ड्यूरेशन इन इंजीनियरिंग ट्रेड्स इन द ईयर 2020 एनवर्ड्स विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर इंस्ट्रक्टर इन वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग और बोथ। यानी कि द ट्रेड इंस्ट्रक्टर हु विल कम्प्लीटिंग रेगुलर CITs ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन इन इंजीनियरिंग ट्रेड इन द ईयर 2020 ऑनवर्ड्स विल बी एलिजिबल, मतलब इसके बाद वाले वो एलिजिबल होंगे, ठीक है, किसमें, जो रोडा में, ठीक है। ये चीज़ लगभग क्लियर है, तो अब इस आपको किसी बात का कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट है, अभी भी बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद में है कि जो फॉर्म ये जो फिल किया गया था ये कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, बहाली रिजेक्ट ना हो जाए। तो इस UFO की स्थिति से आप लोग को दूर रहना है, और जो मैसेज है उसको मैं दिखा देता हूँ। देख लीजिए, ये मैसेज मेरे पे सेंड किया गया, लगभग 10-12 लोग मुझे सेंड किए, मैं खुद ग्रुप में देखा भी, लेकिन जब बार बार आप ही लोगों के द्वारा, तो मैं इसको स्पष्ट क्लियर कर देता हूँ कि इसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि आप लोग पढ़िए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अतिथि पद पे जो बने हैं, जो गेस्ट इंस्ट्रक्टर हैं, वो अभी भी इस वैकेंसी को क्लियर नहीं होने देना चाहते हैं, और इसको पूरे तरीके से
रिजेक्ट करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन वो इस बात को भूल जा रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वो सर्वमान्य होता है, उसके ऊपर वो लोग नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने ही केस जो जिस पे वो जो जजमेंट दे दिया है, अगर फिर से उस पर सुनवाई होने लगे तो सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठने वाली बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कभी नहीं होने देगा, ठीक है। और जो भी है वो तथ्य के आधार पे है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि अतिथि के नेता खुद अपना एक निजी संस्थान खोलने जा रहे हैं और नया ITI का संचालन करने जा रहे हैं, यह बात सभी को अभी तक जानकारी है। आप लोग तो ये जो भी है उस पर मुझे कुछ नहीं, सिलेबस के मुद्दे को लेकर जो भ्रमित किया जा रहा है उससे भी आप लोग उस पर कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इससे बने रहें और इससे दूर, अफवाह से दूर रहें, ठीक है। जो नियमावली के अनुकूल सारा चीज़ किया जा रहा है, यानी कि BTSC की नियमावली के अनुसार जो वेटेज है 30%, CITS का 20%, आपका डिग्री डिप्लोमा का, वो चीज़ आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, आपका जितना स्कोर है, जितने भी जनरल में कैंडिडेट 42-43 प्लस में है, वो इस बात के लिए, इस बात को लेकर एश्योर रहे कि उनका सिलेक्शन होगा अगर वो बिहार के हैं तो, ठीक है। नॉन CITS वाले 45 प्लस जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं वो इस बात को श्योर रखें, क्योंकि 1.25 टाइम्स, और मेरे पास प्रूफ है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर 55-56-60 भी है, लेकिन वो लोग फर्जी एक्सपीरियंस बना कर रखे हैं। तो वो लोग का कॉल भी मेरे पास आया था, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन लोगों को मैं ये बता दूँ कि आप लोग अपने फ्यूचर को लेके पॉसेसिव रहिए और ज़्यादा आगे ऐसा कदम ना उठाइए जिससे आपके कैरियर पे नुकसान हो। मैं बार बार यही सजेशन देता हूँ सबको, जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है। और दो मिसाइल को लेकर जो भ्रमित किया जा रहा है उस पर भी बचे रहे, क्योंकि धन का, आर्थिक धन की उगाही की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देख लीजिए, जो साथी मतलब ग्रुप 15 वेटेज को लेकर भ्रमित है वे समझ है कि पहले नियमावली के ध्यान से पढ़िए। तो नियमावली को मैं आपको लगभग बता दिया, और जो जितने भी लोग CITS हैं रोडा में वो लोग लगभग श्योर हैं, लेकिन जिनका रोडा नहीं है और इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं, चाहे वो नॉन CITS भी हैं, अगर वो CITS नहीं भी हैं और CITS ये अदर ट्रेड से हैं, तो उनका सिलेक्शन नॉन CITS वे में होगा, क्योंकि एज पर DGT रूल, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, अगर तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूँ, कट ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ग्रुप में थोड़ा सा ज़्यादा जाने की संभावना है, मतलब 45-46 भी चला जाए CVT के स्कोर, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। काउंसलिंग में आप लोग देख लीजिएगा, जब DB में बुलाया जाएगा, ज़्यादा नहीं, बस एक सप्ताह में आपका स्कोर कार्ड आएगा, और उसके अगले वीक या उसके नेक्स्ट वीक में आपको, मतलब कि आफ्टर 5 जुलाई या 6 जुलाई के बाद कभी भी आपका DB के लिए डेट आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट था, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा GS फोरम, कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने लोग कन्फ्यूज हो रहे थे वो लोग इससे बचे, और ग्रुप 15 वाले लोग परेशान ना हो, ग्रुप 15 में नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है, ठीक है, लगभग 200 के राउंड सीट है, तो वहाँ पे सिलेक्शन होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और जो बिहार के डोमिसाइल कैंडिडेट है उनकी संभावना सबसे ज़्यादा है, ठीक है फ्रेंड्स। और जितने भी फीमेल कैंडिडेट है एक चीज़ ध्यान रखें, उनका 40 मार्क्स पे ही होगा अदर स्टेट का, ठीक है। तो थैंक यू, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।